नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का केडी राठौड़ के इस नए शो में। आपसे विशेष अनुरोध है कि आप कृपया जाकर पहले भाग को देखने का प्रयास करें। उसमें मैंने अच्छी तरीके से बताया कि अगर हमारा संविधान नहीं होता तो क्या होता। कृपया जाकर उस पहले भाग को देखने का प्रयास करें, फिर इस दूसरे भाग को देखें ताकि आप दूसरे भाग को अच्छी तरीके से समझ पाओ। अब हमारे देश के कई लोगों को लगता है कि हमारा संविधान हमारी रक्षा क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, आखिरकार सरकार संविधान की हर एक बात को क्यों मान रही है, इसे अपने हिसाब से बदल क्यों नहीं देती। देखो भाई, आज सरकार बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, आज सरकार के पास आर्मी है, पुलिस है, लेकिन सरकार अपनी मन मर्जी से इसे बदल क्यों नहीं देती। आखिरकार देखा जाए तो वैसे संसद ही इस संविधान को बदल पाती है, लेकिन सरकार क्यों नहीं। और यहीं पर छुपा है दिमाग दोस्तों हमारे संविधान बनाने वालों का। मान लो कल को अगर सरकार कह दे कि जो भी सड़क पर दिखे उसे गोली से मार दो, कल को हमारी सरकार हमारे मौलिक अधिकारों को हनन करना शुरू कर दे, हमें बिना फालतू हमारी बिना गलती के जेल में बंद करना शुरू कर दे, तो फिर हमारा क्या होगा। तो चिंता नहीं दोस्तों, क्योंकि इसी चीज़ को रोकने के लिए हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट। लाइक कल को अगर सरकार कोई कानून बना दे, जैसे उत्तरी कोरिया में होता है, क्योंकि वहाँ पर डिक्टेटरशिप है, वहाँ पर किंग जोम भैया ने कह दिया कि जो कल को सड़क पर जो भी हंसता है उसे आप गोली से उड़ा दो। सपोज अगर यहीं पर हमारे भारत में ऐसा घोषणा पत्र कर दे सरकार की, जो आतिफ असलम के गाने सुनेगा, जो पाकिस्तानी किरदारों की फिल्में देखेगा उनके गाने सुनेगा, उन्हें गोली से मार दो। तो हमारे संविधान ने इसी चीज़ को रोकने के लिए एक मॉनिटर खड़ा करके रखा है, उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सरकार को बोलेगा कि सरकार जी कृपया करके इधर आओ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, संविधान ने बोला ना कि ऐसा नहीं करना है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको इतनी ज़्यादा शक्ति किसने दे रखी है। तो सरकार बोलेगी कि संविधान में लिखा है तो क्या मतलब हमें, क्योंकि हमें तो लोगों ने सेलेक्ट किया है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट कहेगी तो सरकार जी आपने लोगों को सेलेक्ट किया है वो तो ठीक है, लेकिन आपको लोगों ने क्यों सेलेक्ट किया है, इसका तरीका भी संविधान में बता रखा है। अगर तुमने ऐसा कुछ करने का प्रयास किया तो हम तुमको बहुत भयंकर सजा देंगे। जैसे कि ऐसे बहुत सारे सिस्टम है हमारे बीच में जो आम नागरिकों की रक्षा कर रहे हैं, लाइक जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है वो हमारे साथ है। अगर कल को कोई सरकार गलती करे तो सरकार पर केस चलाया जा सकता है, इवन दैट सरकार को गिरफ्तार किया जा सकता है। क्योंकि अगर सरकार ही हमारे संविधान की बात नहीं मानेगी तो फिर हमारा संविधान किस काम का। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को सजा दे सकती है। अब आपका सवाल उठेगा कि अगर सरकार जी हमारे साथ गलत कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ गलत करना शुरू कर दिया तो, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को सजा दे सकती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। और अगर कल को मान लो सुप्रीम कोर्ट कह दे कि सभी को जेल में बंद कर दो, तो फिर हमें कौन बचाएगा, फिर हमारी कौन रक्षा करेगा। तो सिंपल है दोस्तों, हमारी रक्षा करेंगे हमारे पार्लियामेंट में बैठे एमपी लोग। बात बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये एमपी लोग सुप्रीम कोर्ट के जज को भी हटा सकते हैं, क्योंकि हमने ही तो एमपी लोगों को सेलेक्ट किया है हमारी रक्षा के लिए। और अगर कल को जो राष्ट्रपति जी कुछ गलत करे तो उसे संसद हटाएगी। तो कुल मिलाकर हमारे संविधान ने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है जिसमें सभी लोग आपस एक दूसरे पर नज़र रख रहे हैं। जैसे मान लो कि जो सुप्रीम कोर्ट है और लोकसभा है वो सरकार पर नज़र रख रहे हैं, अभी दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट पर नज़र रख रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट और संसद हमारी सरकार पर नज़र रख रहे हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कुल मिलाकर ये संविधान, ये जो सरकार के सभी लोग हैं, आपस में चील की तरह नज़र गड़ाए बैठे हैं कि कोई कब गलती करे और उसे सजा मिले। इसलिए तो आप देख रहे हो आज हम खुलम खुला विरोध कर पा रहे हैं, कहीं पर भी घूम पा रहे हैं, मस्ती से खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हो हमारा संविधान कितना शानदार है कि कोई भी गलत काम करेगा तो फिर हमारे सिस्टम का दूसरा भाग है वो बीच में टांग अड़ाने के लिए आ जाएगा कि भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपको किसने दी इतनी पावर। इसलिए क्योंकि हमारे संविधान बनाने वालों ने इसे बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया है, इसलिए आज तक कोई भी सरकार संविधान के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की है। अब दोस्तों दूसरा सवाल उठता है कि चिराग यानी संविधान हमारे पास ही क्यों है। जैसे लाइक देखो कि जो उत्तरी कोरिया में चिराग हमारे किम जोंग भैया के पास है, लीबिया में चिराग गद्दाफी के पास था, तो आप देख रहे हो कि चिराग हमारे पास ही क्यों है, सरकार के पास क्यों नहीं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि ये चिराग इसलिए है हमारे पास है ताकि सरकार मनमानी नहीं कर पाए। अगर आप उत्तरी कोरिया लीबिया जैसे देशों की बात करें तो चिराग उनके डिक्टेटरशिप के पास था, तो सिंपल सी बात है कि वो जो शक्तियाँ थी उनके पास ही थी, नागरिक बेचारे उनके सामने कुछ भी नहीं थे। इस बात को और आसान भाषा में समझते हैं दोस्तों, मान लो कि कल को आपको कोई आरएएस का एग्जाम है और आपसे कहेगी कि बेटा आप अपनी कॉपी खुद ही चेक कर लो, तो आप सच सच बताओ आप अपने आप को कितना नंबर दोगे। ऑब्वियसली खुद को पूरा ही नंबर दोगे ना। तो फिर देखो अगर गद्दाफी खुद का अपना संविधान बना रहा था तो फिर वो अपनी ताकत को क्यों रेस्ट्रिक्ट करेगा,
मान लो कल को अगर आप अपना टाइम टेबल बना रहे हो और आप गलती से उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हो, ऐसा नहीं कि आप उस आपने गलती की है क्योंकि आपने टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाए इसलिए आप खुद को डंडे मारने लग जाओ, या फिर आपकी मम्मी आए कि आपको झाड़ू से मारने लग जाए कि आपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया, ऐसा नहीं होगा ना। आप क्या करोगे, उस टाइम टेबल में बदलाव करने की कोशिश कर गई। तो ऐसा ही गधा भी कर रहा था, गधा भी अपने खुद की कॉपी खुद ही चेक कर रहा था। तो आपको पता है ऐसी सरकार के लिए कोई रोकथाम नहीं होता है, ऐसे में बीच में फंसते हैं जो बेचारे उस देश के नागरिक। और वहीं पर अगर हमारा संविधान की बात करें तो इसे बनाया है हमारे भारत के ही लोगों ने। अब आपसे एक सवाल है कि संविधान को हमारे भारत के लोगों ने बनाया है तो ऑब्वियसली अपना ही फायदा सोचेंगे, अपना ही भला सोचेंगे। और वैसे भी हमारा संविधान बना है अंग्रेजों की इतनी बड़ी गुलामी के बाद, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें भारत के लोगों को इतना ज़्यादा परेशान किया है। तो भारतीय लोग ये कभी नहीं चाहते थे कि भविष्य में ऐसी कोई सरकार बन पाए जिस तरह अंग्रेजों ने परेशान किया है। इसलिए आज हमारा भारत का संविधान इतना ज़्यादा प्रभावशाली है, ये आज तक देश के नागरिकों को होल्ड करके बैठा है, सरकार को कंट्रोल करके बैठा है। लेकिन दोस्तों आप कहोगे कि आर्म फोर्सेस एक्ट के अंदर ऐसे कानून आते हैं जहाँ पर जो कानून है वो जनता के पास नहीं है, वो कानून सरकार के पास है। क्यों? ताकि देश को बचाया जा सके। अब देश को कैसे बचाया जा सके बहुत ही डीप इश्यू है। मैं आर्म फोर्सेस एक्ट के बारे में कभी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप ये जान लो कि इस कानून में देश पहले आता है बाद में लोग। तो फिर आप कहोगे कि संविधान की किताब में लिख रखा है कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। तो संविधान की किताब में यह भी लिख रखा था कि अगर देश टूटने की कगार पर हो तो देश पहले आता है बाद में लोग आते हैं। जो करना है करो लेकिन देश को पहले बचाओ। और अगर आप दोस्तों रेगुलर न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि बीच में जो पेगासस का इश्यू आया था, पेगासस का जो मुद्दा आया था, तो इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने सरकार जी को बोला कि सरकार जी आप लोगों की बातें सुन रहे हो क्या, आप लोगों पर नज़र रख रहे हो क्या, आप उनकी प्राइवेसी क्यों छीन रहे हो, क्योंकि उनके पास राइट टू प्राइवेसी है, उनके पास निजता का अधिकार है। तो सरकार जी ने बोला कि देश की सुरक्षा, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए देश पहला आता है बाद में लोग आता है। तब सुप्रीम कोर्ट जी ने भी बोल दिया कि आप बार बार क्या देश की सुरक्षा लगा रखा है, आप बात बात पर जो लोगों की प्राइवेसी को नहीं छीन सकती, ये गलत बात है। वास्तव में देश के लिए तब कुछ करना जब देश वास्तव में खतरे में हो। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं पर क्या होता है कि देश पहले आता है बाद में उसके लोग आते हैं। कैसे, मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल से समझाता हूँ। ये जो चार धाम प्रोजेक्ट है ना, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, यहाँ पर सरकार रोड बनाना चाहती है, रोड की चौड़ाई को बढ़ाना चाहती है। तो ऐसे में ये जो एनवायरमेंट वाले पहुँच गए, जो ये पर्यावरण वाले, सुप्रीम कोर्ट, हाय हाय इस प्रोजेक्ट को बंद करो, इससे पेड़ों को काटा जा रहा है, इससे जो पर्वतों को काटा जा रहा है, पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जजमेंट सुना दिया कि देखो भाई बात बहुत ही सिंपल है, देश की सुरक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर सरकार कुछ कर रही है, पेड़ों को काट रही है तो काटने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि मान लो इसमें सरकार की ज़्यादा भी ठीक है कि सरकार चाहती है कि जो उत्तर भारत की सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर वेल डेवलप्ड रोड हो ताकि आर्मी के व्हीकल्स आराम से पहुँच सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मान लो कल को चीन ने भारत पर हमला कर दिया तो फिर किसको दोष देंगे। तो ऐसी स्थिति में देश पहले आता है। और वैसे भी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार को बोल रखा है कि अगर कहीं पर पेड़ कट रखे हैं तो दूसरी जगह या फिर कहीं और पेड़ लगा दो। दोस्तों ऐसी स्थिति में देश पहले आता है, क्योंकि हमारे ही तो जो भारत के लोगों ने जो हमारे ही भारतीय लोगों ने लिखा था कि देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरे में नहीं डाला जा सकता। और वहीं पर दोस्तों कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर पूरी की पूरी पावर आर्मी के पास है, आर्मी चाहे तो लोगों को गोली मार सकती है अगर उन्हें लगता है कि कोई आतंकवादी है। इसलिए ताकि कश्मीर भारत का हिस्सा रहना चाहिए, किसी भी हाल में कश्मीर भारत से अलग नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में दोस्तों ये वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया, मेरा मकसद यही था कि हमारे पास चिराग क्यों है, क्योंकि हमारे जो भारत के ही लोगों ने, इसलिए हमारे पास ये चिराग है क्योंकि सबको बराबर मौका मिले, क्योंकि यहाँ पर सरकार जिन है तो जिन उसी की बात सुनती है जिसके पास चिराग है, इसलिए सबको बराबर मौका मिले, सबको बराबर सम्मान मिले और सरकार हमारे साथ अन्याय न कर पाए। लेकिन दोस्तों एक सवाल उठता है कि बहुत सारे देश है जो तानाशाही के अंदर चले गए, फिर हमारा भारत तानाशाही के अंदर क्यों नहीं जा पाया, क्या कारण है कि हमारा भारत का संविधान इतना ब्यूटीफुल डिजाइन संविधान है, हमारा भारत का संविधान इतना ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बन गया, बात करेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी जानकारी पसंद आएगी, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।